राज तरंगिणी। राज तरंगिणी, आज से हम संस्कृत साहित्य की महान विभूति महाकवि कल्हण की अपूर्व रचना राज तरंगिणी पर आधारित धारावाहिक आरंभ करने जा रहे हैं। महाकवि कल्हण कश्मीर के राजा जयसिंह के समकालीन थे। उन्होंने भारतीय साहित्य और इतिहास का गहन अध्ययन किया था। प्रागैतिहासिक रचनाओं में वर्णित घटनाओं को वे प्रामाणिक ऐतिहासिक घटनाएं मानते थे। उनकी साहित्यिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक चेतना इतनी उदात्त थी कि राज तरंगिणी में तीनों का सामंजस्य किया। कश्मीर मंडल की पौराणिक कल्पना को ऐतिहासिक संदर्भों में देखा और पुराण, महाभारत तथा अन्य अनेक ऐतिहासिक ग्रंथों के आधार पर कश्मीर के राजाओं के शासनकाल की विशुद्ध व्याख्या की। राज तरंगिणी का अर्थ है राजाओं की नदी। जैसे नदी में छोटी बड़ी तरंगे उठती गिरती हैं और नदी आगे बढ़ती जाती है, ठीक वैसे ही राज तरंगिणी में कश्मीर पर अल्पकाल और दीर्घकाल तक शासन करने वाले राजाओं का वर्णन है। चूंकि कल्हण की रचना कश्मीर से संबंधित है, अतः आइए सुनते हैं कल्हण द्वारा नीलमत पुराण पर आधारित कश्मीर मंडल की स्थापना की मनोरम तथा आध्यात्मिक कल्पना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। अलंकार स्वरूप सर्पों के फण मंडल में विद्यमान रत्नों की दीप्ति से दे दीप्यमान तथा मुक्त जनों द्वारा आराधित शिव रूपी कल्पतरु को नमस्कार है। कश्मीर शिव की ही पावन भूमि है, अतः शिव को नमस्कार उचित ही है। भद्रजनों, काल चक्र के प्रभाव से मैं आप सुधीजनों को संबोधित कर रहा हूं। नील मुनि द्वारा रचे गए नीलमत पुराण में मैंने कश्मीर मंडल की रचना का जो मनोहारी वर्णन पढ़ा, वो मैं आपको सुनाता हूं। कल्प के आरंभ से 6 मनवंतर तक हिमालय के मध्य में आगाध जल से परिपूर्ण सतीसर नाम का एक महान सरोवर था। संभवतः इसी सरोवर के कारण आरंभ में कश्मीर को सती देसा के नाम से पुकारा जाता था। जो भी हो, इस सरोवर में एक असुर रहता था जिसका नाम था जलोद्भव। जल से उत्पन्न हुआ इसलिए जलोद्भव। इसे लेकर क्या क्या घटनाएं घटी, इन्हें आप ध्यान से सुने। Ha 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 ha
बंद करो अपना ये अट्टहास और अपने इस भयानक रूप को भी कुछ कम करो। सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूं? बंद करो अपना ये अट्टहास अन्यथा तुम्हें पछताना पड़ेगा। अब बताओ कि तुम कौन हो, कहां से आए हो? पहले आप बताइए क्या आप कौन है और मुझसे प्रश्न करने का क्या कारण है? भूलमती, देखते नहीं हो इनके प्रभा मंडल को? ये देवताओं में उत्तम साक्षात ब्रह्मा जी है। समस्त सृष्टि इन्हीं की रचना है। अपोलो, तुम्हारे पास क्या उत्तर है? मैं देवताओं में उत्तम, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करता हूं। सुखी भव। तुम्हारा नाम? मेरा नाम जलोद भव है। कल्पांतर में जल प्लावन हुआ तो मुझे सुरक्षा का कहीं स्थान नहीं मिला। समय के थपेड़े खाता मैं यहां सती सर्तका पहुंचा। एकांत शांत और सुरक्षित स्थान देखकर मैंने सती सर को ही अपना निवास स्थान बना लिया। देवाधिदेव महादेव की शक्ति स्वरूपा सती के नाम पर ये सती सर है। वे कल्याणी हैं, अतः तुम्हें यहां कोई भय नहीं। आपकी कृपा से भय तो कोई नहीं, बल्कि मैं ही दूसरों के लिए भय का कारण हूं। हां, इतना अवश्य है कि जब कभी सती सर से बाहर आकर इधर उधर दृष्टि दौड़ाता हूं तो कुछ विचित्र सा अनुभव होता है। अनेक ऐसी स्थितियां सामने आ खड़ी होती हैं जिनसे मैं भयभीत हो उठता हूं। प्राणों पर संकट आया जान पड़ने लगता है। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं यहां निर्भय रहकर जीवन यापन कर सकूं। आप हंस क्यों रहे हैं? इसलिए कि तुम अपने आप से परिचित नहीं हो। मैं आपका संकेत नहीं समझा। सुर में नहीं हो ना, जो असुर है वो स्वयं को पहचानने में सदा भूल करते हैं। तुम्हारा नाम है जलोद भव, अर्थात जल से उत्पन्न। जो जल से उत्पन्न है उसे जल में ही सुरक्षा मिलेगी। मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं देव। स्वस्थ रहो। स्व अर्थात स्वयं और स्थ अर्थात स्थिर। अपने आप में स्थिर रहो, अपनी प्रकृति को पहचानो और तदनुसार जीवन यापन करो। जल के जीव हो तो जल में ही रहो। जब कभी बाहर आओगे और बाहर आकर स्वभावानुसार उपद्रव करोगे तो पछताओगे। जल के भीतर रहते तुम्हें कोई भय नहीं। मैं अनुग्रहित हुआ, पुनः श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। कृपा दृष्टि बनाए रहना। तथास्तु, मेरी बात स्मरण रखना। अब हम देवलोक को जाते हैं। मैं ही अपराधी हूं। इस विनाश लीला का मैं ही कारण हूं। मैं ही दया कर इस जलोद्भव को प्रलयकारी जल प्लावन की उत्ताल तरंगों से सुरक्षित निकाल कर यहां ले आया। जब तक ये बालक रहा तब तक तो शांत रहा,
इस विश्व को कौतूहल की दृष्टि से देखता रहा। किंतु जैसे जैसे बड़ा होता गया, इसकी उद्दंडता बढ़ती गई। आरंभ में तो ये जल की भोली भाली मीन सरीखा रहा, किंतु धीरे धीरे मगरमच्छ बन बैठा। अब तो इसके आतंक से साधारण जीव जंतु और मानव क्या देवता भी भयभीत हो उठते हैं। इसकी क्रूरता और विध्वंसकारी वृत्तियों को ना रोका गया तो भयानक परिणाम होंगे। क्या करूं, कहां जाऊं, किससे उपाय पूछूं? हो हां, महर्षि कश्यप से सहायता मांगनी चाहिए। हाँ, वो अवश्य इस संकट से उबरने का उपाय बताएंगे। तो चलता हूं, उन्हीं के पास चलता हूं, उन्हीं के पास चलता हूं। महर्षि कश्यप के श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आओ आओ, इस आसन पर विराजो। कहो, कैसे आना हुआ? महर्षि, बड़े संकट और असमंजस में हूं। ऐसा क्या हो गया? क्या कहूं महर्षि, उस जलोद्भव ने बड़ा उत्पात मचाया है। सारी प्रकृति का विध्वंस करने पर तुला है वो। कोई भी प्राणी उसके आतंक के कारण अपने निवास से बाहर नहीं निकलता। नील, तुम ही तो उसे दया कर कश्मीर लाए थे। उसी करुणा का दंड भोग रहा हूं महर्षि। सब कहीं आसुरी आतंक है। किसी प्रकार इस जलोद्भव से प्राणियों का पीछा छुड़ाइए। अधीर मत हो नील। ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी के पास चलते हैं। उनके समक्ष अपनी समस्या रखेंगे, निश्चय ही वो कोई ना कोई उपाय निकालेंगे। तो चलिए महर्षि, पहले विष्णु जी की सेवा में चलकर प्रार्थना करते हैं। ठीक है, आओ चले चले। भगवान, अब आप ही बताएं क्या उपाय है। महर्षि कश्यप, मैं तुम्हारी और नील की व्यथा को समझता हूं। तुम यहीं ठहरो, मैं उस तुष्ट जलोद्भव को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि जन जन्मांतर तक याद रखेगा। अरे, ये दुष्ट तो वश में ही नहीं आता। जब भी इसे पकड़ने का प्रयत्न करते हैं तो ये जल में प्रवेश कर जाता है। क्या किया जाए? हाँ, एक ही उपाय है। देवताओं, हम सब मिलकर प्रयत्न करते हैं। आओ, इन पर्वतमालाओं को काट डालें। ये तो घोर अनर्थ होने लगा। पर्वतमालाओं के काटे जाने के फलस्वरूप प्लय का दृश्य उपस्थित हो गया है। ये देखो, ये देखो, हिमालय तो आकाश को छूने लगा है। देवताओं, आप सोचते होंगे कि जल के इधर उधर बिखर जाने के कारण अब मुझे कहीं छिपने का ठिकाना न रहेगा और तुम मुझे सरलता से पकड़ सकोगे। किंतु आप
संभवतः मेरी आसुरी माया से परिचित नहीं है। लो, देखो, प्रयत्न करो मुझे देखने का। इस ससुर चलो भव ने तो ऐसा माया जाल फैला दिया कि चारों ओर घनघोर अंधकार व्याप्त हो गया है। कहीं भी कुछ भी तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम अब क्या करें? हाँ, भगवान शंकर की, देवाधिदेव शंकर की स्तुति करते हैं। सूर्य चंद्रमा तो उन्हीं के वश में है, वे अवश्य ही अंधकार को दूर करने में सहायक होंगे। विकलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। कटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनी धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। देवताओं, मैं तुम्हारा क्या हित कर सकता हूं? कहो, मुझे किस लिए स्मरण किया? देवाधिदेव, असुर जलोद्भव ने अपने माया जाल से जो घनघोर अंधकार रचा है उसका विनाश कीजिए। अंधकार में से हमें प्रकाश की ओर ले चलिए। इसके लिए आप सभी मिलकर सूर्य और चंद्रमा से प्रार्थना करें, निश्चय ही वे आपका कल्याण करेंगे। ॐ श्री अवये नमः। ॐ श्री आदित्याय नमः। ॐ श्री सोमाय नमः। ॐ श्री चंद्रमाय नमः। ॐ श्री रवये नमः। ॐ श्री आदित्याय नमः। ॐ श्री सोमाय नमः। ॐ श्री चंद्रमाय नमः। देवाधिदेव महादेव की कृपा से असुर जलोद्भव का माया जाल छिन्न भिन्न हो गया। हिमालय भी स्थिर हो गया, दिशाएं भी शांत हो गई। परंतु वो असुर, वो असुर जलोद्भव, ठहर पापात्मा, अभी तेरा शिरोच्छेदन करता हूं। लो, इस पाप आत्मा का भी अंत हुआ, किंतु इस भूमि को हमें एक पवित्र और मनोरम स्थान के रूप में परिवर्तित करना होगा। आप जैसी आज्ञा देंगे
हम वैसा ही कर्तव्य का पालन करेंगे। देवाधिदेव महादेव जी तो हमारे साथ है ही, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को भी साथ ले लिया जाए तो इस भूखंड के पुनर्निर्माण का कार्य आरंभ हो। मैं तो स्वयं ही आ रहा था, अपने किए पर मुझे स्वयं पश्चाताप हो रहा था। दुष्ट आत्मा को दिया वरदान भी अभिशाप बन जाता है। देखने में भोला भाला बालक जान पड़ता था, मुझे क्या पता था कि बड़ा होने पर वो इस प्रकार के उपद्रव करेगा। रचना करते हुए रचनाकार को अपनी रचना पर गंभीरता से विचार कर लेना चाहिए। सभी कृतियां सृष्टि को कृतार्थ नहीं करती हैं। शिव शंकर, मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानूंगा, अपराध तो मेरा था, जो हुआ सो हुआ। अब आगे क्या करना है इस पर विचार करना चाहिए। हमें इस भूखंड के पुनर्निर्माण के कार्य में जुट जाना चाहिए। ब्रह्मा जी जो जो आदेश देंगे हम सभी उसका पालन करेंगे। ब्रह्मा जी के आदेश से देवताओं तथा स्थानीय वासियों के सहयोग से यहां हिमालय के अंक में हमने अनेक भवनों धर्म स्थानों का निर्माण तो कर दिया, अब इनको नाम देना शेष रह गया है। नाम ऐसे रहें जिनसे महादेव शिव का संबंध जुड़ा रहे, क्योंकि कश्मीर स्वयं शिव से ही सार्थक हुआ है। कश का अर्थ है पहुंचना, जहां पहुंचकर महादेव अपने आनंदमय नृत्य के साथ डमरू से विभिन्न ध्वनियां करते हैं, वही है कश्मीर। तो अब इस स्थान का नाम रख देते हैं कैलाश। वो रहा अमरनाथ और उधर मान सरोवर, और उस धर्म स्थल को कहेंगे शारदा पीठ। तो शारदा पीठ से लेकर कुमकुम पर्वत तक का 50 योजन का स्थान हुआ कश्मीर। शेषासीनों को नाम देंगे भविष्य में शासन करने वाले नरेश। हमने तो एक स्रोत दिया है, स्रोतस्विनी को गतिमान करने का कार्य भावी पीढ़ियों पर, तो हम चलें अपने अपने धाम। शिव तो यहां से हिलने से रहे, ये तो इनकी लीला भूमि हुई, चाहे समाधि लगाएं चाहे नृत्य करें। सेनापति महाराज, ठीक है ना? तीनों लोकों में भूलोक श्रेष्ठ है। भूलोक में उत्तर दिशा की शोभा उत्तम है, उसमें भी हिमालय पर्वत प्रशंसनीय है, और उस पर्वत पर भी कश्मीर मंडल परम रमणीक है। सत्य है महाराज, कश्मीर मंडल अजेय है। पुण्य बल से ही इस प्रदेश पर विजय प्राप्त की जा सकती है, शस्त्र बल से नहीं। अतः कश्मीरवासी परलोक से ही डरते हैं, शत्रुओं से नहीं।
पुण्य बल जिनका प्रबल रहा, ऐसे गोनंद वंशी राजाओं ने कई पीढ़ियों तक कश्मीर पर शासन किया। उसी वंश की परंपरा में आप प्रजा का पालन करते हैं। महाराज की जय हो। जरासंध नरेश का दूत आपकी सेवा में एक पत्र लाया है, कृपया इसे देखने का कष्ट करें। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हमारे सभी मित्र। ओह, यादवों का ये दुस्साहस! वो हमारे मित्र जरासंध पर आक्रमण करें? क्या वो गोनंद वंश के प्रतापी राजाओं के शौर्य से परिचित नहीं हैं? दूत, तुम जाकर विश्राम करो, हम अपने मित्र की सहायता के लिए सभी संभव उपाय करेंगे। जाते समय हमारा पत्र अपने नरेश के लिए लेते जाना। राज तरंगिनी। अभी आप महाकवि कल्हण की अपूर्व संस्कृत रचना राज तरंगिणी पर आधारित रेडियो धारावाहिक नाट्य रूपांतर का पहला भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार और निर्देशक थे विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक, प्रस्तुतकर्ता मधु अत्री, संगीतकार रास बिहारी दत्ता, रिकॉर्डिंग इंजीनियर के एन जोशी और प्रबंध संचालन अशोक मलकानी। भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, रजनीश शर्मा, केदारनाथ, कीमती आनंद, सतीश कक्कड़, एस कुमार, मनोज भटनागर, गौरव मारवाह, सुरेंद्र सेठी और अश्विनी वालिया।